देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे हाथ का क्या हालत हुआ दोनों। ये शॉप कितने बजे तक ओपन रहता है? हाय फैमिली, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया हैं और बिंदास रह रहे होंगे आपका घर पे। और मैं अभी एक्चुअली जस्ट अभी सो के उठा तो तबीयत थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है क्योंकि मेरे को सर्दी हुआ था। और अभी हम लोग निकल रहे हैं माराथली, माराथली मनेकुलाला। वहाँ पर चारकोल मिलता है, कोल जो मिलता है ना, चारकोल हम लेके आएंगे। चारकोल हम क्यों लेके आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। और अभी हम आज ये एक्चुअली मेरा पहला ब्लॉग है मोटो ब्लॉग का, आप देखिए मोटो ब्लॉग अभी मैं शूटिंग करके जाऊंगा कैसा लगता है, आप पूरा वीडियो पे बने रहिए। आप फाइनली मेरे को कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो दिल से प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 थोड़ा आप इतना कर दीजिए। मैं जानता हूँ आपको क्या बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ, तो चैनल को बस सपोर्ट कर लीजिए और इस देहाती लड़के को थोड़ा सा हौसला दीजिए और कुछ नहीं। मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, मेरे को तो पता नहीं कैसा होगा, होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आप लोग भी बने रहिए, मेरे जैसे एक बंदे को ना आपसे हौसला मिलना चाहिए और मैं भी जी जान लगा रहा हूँ आपको कुछ अच्छा दिखाने के लिए, कुछ अच्छा स्टोरी डालने के लिए, कुछ अच्छा ब्लॉग के जरिए कुछ नया संदेश देने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एक्चुअली वो माराथली में जा रहे हैं, माराथली में वहाँ पर चारकोल जहाँ पर मिलता है, मनेकुलाला है वो प्लेस के नाम। जय श्री राम। देखिए शुरुआत में ही कुछ अनहोनी होने बैठा था, टांगड़ मैंने भगवान का नाम लेके चलाया तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। वो अंकल जी बिना देखे आगे आ रहे थे गाड़ी के सामने। तो इधर कुछ आज कुछ ऐसे मेला लगा है क्या? हमारे रूम के बाहर कोई मेला वगैरह लगा है लग रहा है। बहुत सारे दुकानें आया है, राजस्थानी दुकानें। इधर कोई पूजा वूजा हो रही है शायद, हमको भी मालूम नहीं है, हम आने के टाइम पे चेक कर लेंगे और आपको भी दिखा देंगे। होपफुली कैमरा में सब कुछ स्टेबिलिटी आ रहा है, अच्छा वीडियो स्टेबल आ रहा है क्योंकि वीडियो आपको ज़्यादा ब्लर नहीं होगा और स्टेबल आएगा। इसी वजह से मैंने एक्चुअली माइक और ये कैमरा स्टैंड मैंने लिया, मोबाइल कैमरा स्टैंड लिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ ब्लर आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहे तो मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ये एक्चुअली हमारा जो ये इमाड़ी हली रोड है, ये एक मार्केट है, छोटा सा मार्केट है, जैसे छोटा भी नहीं है, बड़ा बोल सकते हैं कि बड़ा मार्केट है इसमें कर्नाटका में। तो हम अभी जा रहे हैं माराथली जो कि थोड़ा सा सेंट्रल बेंगलोर है, जहाँ पर बेंगलोर का हर किस्म का लोग आपको पाए जाएंगे। बेंगलोर में हर स्टेट से लोग रहते हैं, इंडिया का देश का कोना कोना से लोग आके रहते हैं इधर। कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई कुछ भी करता है, जैसे कि मेरा जैसा ब्लॉग कोई करता है या कोई कुछ ऐसे टाइम पास भी करता है, तो ऐसा ही है। ये मैं अभी शॉर्टकट लेते हुए निकल के जाएंगे, हम डायरेक्ट निकलेंगे मेन रोड पे। आपको एक चीज हर एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने ये मोटो ब्लॉग का सेटअप लिया। क्या है कि मैं डेली मैं ट्रैवल करता हूँ और ये जो मेरा बाइक लेके मैं डेली मेरा क्लास जाता हूँ, मैं जहाँ पर कोचिंग ले रहा हूँ वो क्लास में भी जाता हूँ और डेली आते वक्त भी बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलता है, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाता है आँखों के सामने जो मैं कैमरा में कैद करना चाहता हूँ और आपके पास मैं पहुँचाना चाहता हूँ। ये थोड़ा
सा नैरो रोड है, हमको देख के जाना पड़ेगा क्योंकि ये वन वे है। गाड़ी उधर से आ भी रहा है, इधर से हम लोग जा भी रहे हैं, तो हमको इधर से थोड़ा सा सावधानी से जाना चाहिए। बड़ा गाड़ी भी जा रहा है, आगे देख सकते हैं मेरा भोलेनाथ को। बहुत सुकून मिलता है मैं जब इस स्टैचू को देखता हूँ, और ये स्टैचू इतना बढ़िया दिखता है इधर सनसेट के टाइम। पीछे देखिए सनसेट हो रहा है, पूरा व्यू का थ्रू आ रहा है स्टैचू। ये व्हाइट फील्ड में है, ये वाला जो मंदिर है, टेम्पल है, ये हमारा भोलेनाथ का टेम्पल है, व्हाइट फील्ड में है। मैं यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भी आया था, उसका भी वीडियो लिया है, शायद मैं एडिट नहीं किया हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, मैं सब कुछ आपको टाइम देने के लिए रेडी हूँ। बस आप इसको अगर आपको लाइक करते हैं तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो जानते हैं कि एक बैंगलोर में बाहर का एक लड़का जो कि उड़ीसा से कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों को अगर मैं आपको दिखा के कुछ आपको जानने के लिए आपको मेरे वीडियो से और आपको मेरा जो कि ब्लॉगिंग चैनल से कुछ जानने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो को शेयर करिए। चलिए आपको मिलते हैं अभी NH पे। ये हम लोग आ गए हैं अभी मेन रोड पे। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेट्रो काम उधर तक ही है, और ये भी मेरा रूम से बहुत नज़दीक ही है। अगर मेट्रो हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तभी जाके फील होगा कि मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ। मैं बैंगलोर जैसा मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ, लेकिन इतना मेट्रो में मैं ट्रैवल नहीं किया हूँ। मैं आपको एक नेक्स्ट टाइम अगर मेट्रो में जाके अगर होगा तो मैं आपको ट्रैवल का पूरा वीडियो और पूरा डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ये चीज़ मेरे को आप याद दिलाइएगा कमेंट में, अगर मेरा दिमाग से निकल भी जाएगा तो मैं जाके मैं आपको वादा किया हूँ मेट्रो का, बैंगलोर का मेट्रो कितना क्या है और लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। इधर का जो है ये जो ट्रैफिक है ये बहुत बड़ा ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक अभी एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि इधर काम चल रहा है, और लोग जिगजैग मोड पे कहीं से भी कोई भी आ जाता है। इधर थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, इसीलिए ये येलो लाइन डाला है ये लोग, क्योंकि इधर जिगजैग जैसे कोई भी आ रहा है, उधर से लोग आ रहे हैं, आगे से लोग जा रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, तो एम्बुलेंस भी आ रहे हैं देख सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो ट्रैफिक है ये वाला बड़ा ट्रैफिक बनेगा इधर तक ही मेट्रो का काम स्टार्ट होगा। देखिए भाई बेंगलोर का क्लाइमेट देखिए, और ये सनसेट देखिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइक सीनरी नेचुरल, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इधर एक डिमेरिट भी है जो कि बहुत पॉल्यूशन होता है और ट्रैफिक होता है, आने के टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। हम अभी जा रहे हैं जितना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन रिटर्न आने के टाइम पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। आगे का व्यू बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने के लिए, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कैमरा में। ये तो सबसे अच्छा है, क्यों हम अभी फालतू में कैमरा वैमरा खरीद के पैसा बर्बाद करेंगे। मोबाइल सेटअप ले लो 500 रुपये का, बढ़िया सा शूटिंग करो और छोड़ो सारे दर्शकों का मन हुआ हो, और कुछ नहीं। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं बोलिए। मेरा आज ही मेरा जो ब्लॉगिंग का जो सेटअप किया था वो भी बताता था। अभी ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, मैं क्यू ट्रैफिक का नाम लिया, इस साइड हमारे साइड एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं था, तो अभी फिर से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों उस साइड पे ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है, हमारे आने के टाइम पे भी ऐसे बहुत मुश्किल से आना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड पे क्या हो रहा है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअली बैंगलोर में ये एडवांटेजेस क्या बोल सकते हैं, मुझे मेरे को कुछ मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग तो इसमें बहुत सफ़र कर रहे हैं। हर साल में आपको देखने जाएंगे तो मिनिमम 8 to 9 months आपका हमेशा ट्रैफिक जाम रहेगा इसी वजह से, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि BBMP वाले म्यूनसिपैलिटी वाले बैंगलोर का, तो कहीं पर ना कुछ ना कुछ फिर बहुत पॉपुलेशन हो रखा है बैंगलोर में, जिसकी वजह से कहीं पर कोई पर पानी जो ड्रेनेज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, कहीं पर ड्रेनेज फूल होकर बाहर निकलता है पानी, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी खुदाई वगैरह करते हैं। JCB का खुदाई ज़्यादा देखने को मिलता है इधर बैंगलोर में, जिसके वजह से देखिए आपको दिखा देता हूँ।
आगे आगे जाके उस साइड पे वो वाला रोड पे उधर एक देखिए जेसीबी खड़ा है, उधर कुछ खुदाई किया है, जिसके खुदाई की वजह से मेन रोड पे ये एक NH है, नेशनल हाईवे है, जिसके ऊपर वो खुदाई किए हैं, जिसकी वजह से एक साइड का रास्ता छोड़ दिए हैं और एक साइड का रास्ता पूरा ब्लॉक है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक लगा रहता है। अभी हम डी मार्ट क्रॉस कर लिए, डी मार्ट के पास ही ऐसा ट्रैफिक जाम होता है। अभी ये काफ़ी दिनों से हो चुका है, मेरे को डेली ऐसा ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ उधर से आते हुए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सोचा कि आपको भी बता दूँ, अगर आप लोग बैंगलोर में रहते हैं तो दूसरा रूट चूज करिए, क्योंकि मेरा तो घर उसी रूट में ही है, मेरे को जाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। दूसरा रूट है तो फिर वो वाला रूट मेरे को भी इतना मालूम नहीं है, तो मैंने मैप वगैरह ये सब डाल के मेरे को जाने के लिए पसंद नहीं, तो मैं ट्रैफिक मैनेज करके जाता हूँ। क्योंकि ट्रैफिक में एक्चुअली क्या होता है कि ट्रैफिक में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, तो किसका क्या हो रहा है, क्या कैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो यही तो ज़िंदगी है और कुछ नहीं। ये देखिए अभी हम लोग भी ट्रैफिक में फंस गए हैं आगे जाके, लेकिन तो बढ़िया सा इवनिंग का जो नज़ारा है मेरे को बहुत देख के बहुत दिल को सुकून मिला। ऐसे हमेशा थोड़ी थोड़ी घर से बाहर आना चाहिए, चाहे वो ब्लॉग बनाने के बहाने से हो कुछ भी हो। इधर का ये जो लोग होते हैं ट्रक वाले, ये लोग तो गुंडागर्दी में ज़्यादा होते हैं। ये जो ट्रक वॉक जो चला रहे हैं ना, ये लोग को कोई कॉमन सेंस नहीं होता इधर का, और ये लोग तो कहीं पर भी ऐसे घुस जाएंगे, जैसे कि उनका बाप का रोड है, किसी के ऊपर भी चढ़ा जाएंगे गाड़ी। तो ये लोग ना थोड़ा सा सबर भी उनका नहीं होता, इसी वजह से आज ये लोग क्या करते हैं कि ट्रक चला रहे हैं। अभी बाकी जगह का मैं देखा हूँ कि उन लोगों का एटलीस्ट ये सब मैनर होता है कि उनको पता चलता है कि हाँ कोई बंदा आ रहा है तो गाड़ी थोड़ा सा मैं स्लो कर लेता हूँ, लेकिन ये लोग ना बड़ा गाड़ी है तो मैं जाता हूँ, अगर वो साला आएगा तो मेरा गाड़ी के नीचे आ जाएगा, तो ऐसा ही होता है। ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा ये करता डिस्टर्ब करता है माइंड को, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंप्रूव करके मेरा लाइफ में फोकस करूँगा। ये देखिए अभी नया टनल जो बनाया है कुंदन अली गेट का, अभी कुंदन अली गेट ये जो है बहुत जाम हो रहा था, बहुत ट्रैफिक हो रहा था। अभी ये जो टनल बन गया ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत क्लियर हो चुका है, अभी इतना ट्रैफिक नहीं लगा रहा था इधर। देखिए हम कितना स्मूथली इधर से आ गए, नहीं तो इधर ना एक ये वाला ट्रैफिक बस पार करने के लिए मेरे को अभी 15 मिनट लग जाता। फिर आज का दिन है संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, हर कोई बाहर आता है घूमने के लिए। ये वाला है स्टार मार्केट है, इधर बढ़िया से सब भी सस्ते में मिलता है, कोई भी चिकन वगैरह लो, बाहर का चिकन का प्राइस मार्केट प्राइस होगा 260 रुपीज़ केजी, इधर 200 रुपीज़ में मिलता है। चलिए भाई लोग, हम अभी मारथली में पहुंच गए हैं स्पाइस गार्डन। बहुत जल्द मैं अभी ढूंढने वाला हूं कि कहां पर वो चारकोल मिलेगा, चारकोल मिला तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला तो और भी बढ़िया है। हम जाकर थोड़ा सा ईरानी चाय पियेंगे, जैसे घूमना हो गया, थोड़ा सा दिल को सुकून मिला और कुछ नहीं, आपके साथ भी बातचीत हो गया, आपको कुछ दिखा पाया मैंने। इधर खाली लग्जरियस गाड़ी देखने को मिलेगा भाई लोग, देखियो ऑडी BMW मर्सिडीज ये सब कुछ खाली देखने को नहीं मिलेगा, कि हर कोई इधर IT वाला है। ये जो है स्पाइस गार्डन का बाईवॉक है, इधर से भी शॉर्टकट है मणिकुलाला जाने के लिए, लेकिन हम जाएंगे आगे से, वो थोड़ा सा मेन रोड में जाएंगे तो ईजी रहेगा और जल्दी पहुँचेंगे। और ये मणिकुलाला के अंदर तो बहुत ट्रैफिक होता है, बैंगलोर की सभी बिल्डिंगें देख लीजिए और बैंगलोर का रास्ता देख लीजिए और कितना अच्छा क्लाइमेट देख लीजिए। क्लाइमेट से मेरे को बहुत प्यार है बैंगलोर का, और कुछ भी चीज़ों से प्यार नहीं है। और एक्चुअली इधर क्या ट्रैफिक वगैरह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रैफिक तो रहेगा। हम अभी पहुँचने वाले हैं, 2 मिनट के अंदर ही हम वो जगह पे पहुंच जाएंगे, देखेंगे उधर किसी को पूछेंगे कि कहां पर मिलता है वो चारकोल का शॉप, कहां पर होगा। मेरे को दोस्त वहां पर इंफॉर्मेशन दिया था, तो चारकोल एक्चुअली लेने का मतलब यही है कि मैं कुछ दिन पहले आपको मैंने वो वीडियो छोड़ा था अनबॉक्सिंग का, जो कि ग्रिल्ड चिकन बनाने के लिए घर में कैसे बना सकते हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं घर में सेल कुकर, तो वो चीज़ हमने तो ले लिया, लेकिन वो चीज़ हम यूज अभी तक नहीं किया है, उसको यूज करने के लिए ही चारकोल ले रहे हैं। अभी हम लेफ्ट टर्न ले लिए, ये वाला जो है चौथ वाला रोड है, इधर कहीं पे मिलता है चारकोल, हम थोड़ा सा नजर टहल के आएंगे देखते देखते।
ठीक है 5 किलो दे दो। ये शॉप कितने बजे तक ओपन रहता है? हम एक्चुअली अभी व्हाइट फील्ड से आया लेने के लिए। तो अभी ले लिया हमने चारकोल, कितने मेहनत करना पड़ रहा है देखिए। तो 5 kg को 200 रुपया, 1 किलो को 40 रुपया लिया। इधर मिलता है, ये जगह है एक्चुअली, ये जो जगह है बेंगलोर का मनेकुलाला। आप मल्टीप्लेक्स साइड के साइड से आएंगे, SR फार्मा जो है उसका ऑपोजिट वाला घर पे मिलता है। इधर बसता है और अंदर भी जाके ले सकते हैं। देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे हाथ का क्या हालत हुआ दोनों। ये हमारा उड़ीसा का ब्रांड है बिसर स्वीट्स। हम इधर आ गए थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए, बहुत भूख लग रहा था। इधर काफ़ी सारे वैरायटी का स्वीट्स और बड़ा और करी और समोसा, ये सब कुछ मिलता है। मुझे स्पेशली बड़ा और घुगनी जो होता है, उड़ीसा का जो डिश होता है, वो बहुत ही फेवरेट है मेरा और बहुत टेस्ट बनता है इधर। इसलिए मैं इतना दूर से जब भी आता हूँ मैं इधर खा के जाता हूँ। अभी खाना बढ़िया सा खाना हो गया, अभी चलेंगे ईरानी चाय पीने के लिए। ईरानी चाय भी ये मनेकुलाला में है। ईरानी चाय यानी वहाँ पर मलाई चाय मिलता है। मैं जो जगह का थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्या है कि इधर बहुत क्राउड है और बहुत ट्रैफिक है। बहुत देख लीजिए भाई, बढ़िया था जाने। ईरानी चाय कैंसिल, हम लोग जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ईरानी चाय नहीं पी सकते अभी, हम लोग वापस जा रहे हैं, रिटर्न चलते हैं। हाँ तो हमने एक्चुअली सब कुछ दिखाया आपको इस ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए हमारा हालत ऐसे, बेंगलोर में रहना बहुत ईजी नहीं होता है क्योंकि अभी हमेशा ट्रैफिक भी हमको ऐसे परेशानी में डालता है। अभी ट्रैफिक में हम लोग फंस के अभी जाएंगे और आपको हम बोर नहीं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।